हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर वीडियो ऑन ये जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुआ है बिटवीन एबी यादव एंड कृति मेहरा, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग कृति मेहरा को भी गाली गलौज किया है, एंड आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन, सोशल मीडिया में बहुत लोग कृति मेहरा को गाली गलौज किया है, ठीक है। एट द सेम टाइम एलबी यादव को भी बहुत सारा हेट मिला है, ठीक है। तो आज हम इस जो वीडियो है, इस वीडियो में ये जो कृति मेहरा एंड एलबी यादव के बीच में क्या क्या हुआ है, कहां से इशू स्टार्ट हुआ है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, हम ये सब के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो कृति मेहरा एलबी यादव का जो रिलेशन है या एक साथ वीडियो बनाना, वो स्टार्ट होता है 2017 में। आपको पता होगा 2017 में आपका वीडियो में कोई भी लड़की आ जाए, या मान लीजिए कोई एंटरटेनमेंट चैनल है जहां पे आपका एक फीमेल रोल चाहिए, तो उस टाइम पे वो सब वीडियो चल भी जाता था। और उसी टाइम पे उस ट्रेंड को बरकरार रखते हुए एलबी यादव और कृति मेहरा अपना जो यूट्यूब की जर्नी या बोल लीजिए इन्फ्लुएंसर की जर्नी, उन्होंने स्टार्ट किया था 2017 में। 2017-2018 में उतना प्रॉब्लम नहीं था दोनों में। 2019 में जब कीर्ति मेहरा ने अपना एक नया चैनल ओपन किया, उस वहां पे भी प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी बहुत सारा जो पैशन आंसर वो दोनों मिलकर कर रहा था, ठीक है। इवन 2022 में भी उतना प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि ये कुछ टाइम पे आपको पता होगा लोगों का इंटरेस्ट भी था, मतलब मान लीजिए आपका कोई एंटरटेनमेंट चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल में कोई फीमेल रोल में है या मेल रोल में है, आप उनको पसंद करते हैं, मतलब एक जो शूट हो रहा है एंटरटेनमेंट चैनल में वहां पे फीमेल एंड मेल रोल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कंपेयर टू जहां पे सिंगल फीमेल है या सिंगल मेल है, ठीक है। तो ये वो उस टाइम पे ट्रेंड था और दोनों ने उस ट्रेंड को फॉलो किया था, और इसी वजह से उन लोगों का वीडियो देखिएगा 2017-18-19 में बहुत अच्छा चला भी है। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ 2021 में, ठीक है। उस टाइम से ये इन दोनों का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। एबी यादव उसके बाद से 2021 के बाद उन्होंने कृति मेहरा का कोई जिक्र नहीं किया था अपना कोई भी ब्लॉग में, और कृति मेहरा भी एक स्मार्टली बोले उसको आंसर दे रहा था, उसको अवॉइड करने की बहुत जगह पे कोशिश किया उनका, बहुत सारा मैं इंस्टाग्राम वीडियो देखा था, वहां पे बहुत सारा लोग उनको पूछ रहा था कि आप एबी यादव के ब्लॉग में क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, लेकिन उसको कृति मेहरा ने क्या किया, उसका एक डिप्लोमेटिकली आंसर देना स्टार्ट कर दिया था। और जो आंसर वो आप जब दे रहे हैं ना, उससे एकदम क्लियर पता चल जाएगा कुछ तो गड़बड़ है इन दोनों में। इसी टाइम पे एक चीज हुआ है कि एलबी यादव का एक ब्लॉग में वो बोल रहा था कि मैंने कुछ गलतियां की है अपना पास्ट में, कि रिलेशनशिप हो या प्यार हो जो भी चीज है उसको आप मतलब जल्दी मत कीजिए, मतलब हर वे में उन्होंने बहुत सी चैलेंजेस कर दिया था, उससे उनको कुछ लर्निंग मिला है, एंड वो सब चीजें वो अपना जो फ्यूचर में वो उनके ऊपर काम करेगा, वो करेगा। और उन्होंने एक चीज क्लियर किया था, उनका जो एंगर इश्यू ये सब था इसके ऊपर भी वो काम करेगा। अब प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद जब ये लोगों को प्रॉब्लम धीरे धीरे पता चल चुका था कि एलबी यादव एंड कृति मेहरा के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, तब एक साइड क्रिकेट स्टेडियम था, क्रिकेट स्टेडियम या कुछ मतलब एक खेलने का ग्राउंड था, वो एग्जैक्ट कौन सा स्पोर्ट्स था मुझे कोई याद नहीं है, तो उस इवेंट में कृति मेहरा और एलबी यादव दोनों को ही बुलाया गया था। और उस जो इवेंट था ना, उस इवेंट में ना कृति मेहरा ने एलबी यादव से बात किया, ना एलबी यादव ने कृति मेहरा से बात किया, तो वहां से क्या हुआ, ये जो दोनों के बीच में कुछ जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये एस्केलेट हो गया। इसके बाद आपको पता होगा ये मनीष शर्मा हाफी जी ने उनका शादी था, उस शादी में दोनों ही था कि एलबी यादव था और कृति मेहरा दोनों ही था, लेकिन वहां पे क्या किया कि एलबी यादव ने जितना कोशिश किया है कृति मेहरा से दूर दूर रहने की, क्योंकि वो चीजों को अवॉइड करना चाहता था। और इससे भी ये चीज क्या हुआ कि फैन को अब शक होने लगा कि यार इसमें ये लोग कुछ तो इन लोगों के बीच में गड़बड़ है, और कोई मतलब उस टाइम पे डिस्क्लोज भी नहीं कर रहा कि क्या गड़बड़ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आपको पता होगा लोगों को कुछ टाइम पे ना एक एलबी यादव और वीडियो कृति मेहरा का एक बहुत पुराना वीडियो था, उस पुराने वीडियो में एलबी यादव ये बोल रहा था कि जब मैं कुछ भी नहीं था तब कृति मेहरा मेरे साथ थी, अभी है और इन फ्यूचर रहेगा, तो वो सब वीडियो भी सोशल मीडिया में सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया था ना। अब जो हम ये जो पहले वाला स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट को आप रिसेंट जो कृति मेहरा का एक इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू में किलबिश के बारे में जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने क्या ये बोला है कि देखिए पहले तो मुझे लगता था कि ये मेरे बारे में है, लेकिन बाद में ये पता चला तो ये मेरे बारे में नहीं। अब ये चीज और मैं जो पहले उन्होंने बोला ये दोनों चीज कंट्रोडिक्ट कर रहा है, और इस कंट्रोडिक्शन से ये क्लियर चल रहा है कि अब इन दोनों के जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन अभी पहले जैसा नहीं रहा, और बहुत लोग इस चीज को फायदा उठा के दोनों ही मतलब जो कृति मेहरा का मान लीजिए जो फैन है वो एलबी यादव को कुछ भला बुरा कह रहा है, और कुछ एलबी यादव का जो फैन है वो कृति मेहरा को भला बुरा कहना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद एक इंटरव्यू था उनसे जब पूछा गया कि आप अपना जो लाइफ में 2021 का पीरियड को कैसे देखते, तो उन्होंने उस टाइम पे ये बोला था कि मैं चाहूंगा तो जिंदगी से मैं 2021 को ये जो ईयर है ना, इसको ईयर में सही करूंगा और इसको पूरा डिलीट कर दूंगा। आपको पता होगा 2021 में उनका पापा का देहांत हो गया था, एट द सेम टाइम ये एलबिश और कृति मेहरा का जो आई थिंक ये सॉर्ट ऑफ ब्रेकअप उस टाइम पे हो गया था। इसका मैं कंफर्म क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका जो मेन रीजन है ना, कृति मेहरा अपना जो इंटरव्यू है वो बोल रहा है कि वो श्योर नहीं है
कि ये जो पार्ट मतलब उनका बीच में रिलेशन है नहीं है क्या है नहीं पता, और उधर एलपी जाता था तो पूरा इस चीजों को इग्नोर कर दिया। अब आते हैं कि 2022 में वो इंस्टाग्राम में उनको बार बार बोला जा रहा था, एलपी जाता तो पूरा वो उनसे जब भी पूछा जाता था किसी महीना के बारे में, उन्होंने उस टाइम भी वो एकदम बोलते भाई हमसे नहीं होगा, मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, मैं पूरा अवॉइड करूंगा। उस टाइम वो कर रहा था लेकिन किसी महीने ने वो कुछ आंसर दे रहा था, बहुत चीज का अवॉइड कर रहा था, लेकिन 2022 में मतलब उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि देखिए जो है हमारा रिलेशन उसमें हमें ना प्रॉब्लम है ना उनको प्रॉब्लम है, तो अननेसेसरी उनको हेट मत दो। ये कृति मेहरा ने बोला था, इसका ये मतलब है कृति मेहरा 2022 में भी एलपीस के साथ था, हो सकता है कि एलपीस उस टाइम पे कृति मेहरा का नहीं था साथ नहीं था, लेकिन कृति मेहरा ने उस टाइम मतलब उस टाइम पे भी एलपी यादव को सपोर्ट किया था। इसके बाद देखिए जो उन्होंने जब ये इंटरव्यू देना स्टार्ट किया है ना, तो वहां पे वो बोल रहे हैं कि आपने किसी को धोखा दिया, इस क्वेश्चन का उन्होंने जब आंसर दिया था तो उसने भी बोले थे ऐसा कुछ नहीं है, कोई हम लोगों के बीच में कोई किसी को धोखा नहीं दिया था, हम लोग बीच हमारे बीच में जस्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, या हम लोग इन फ्यूचर कुछ बात करेंगे ताकि इस चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए इसके बाद उनका जब इंटरव्यू हुआ था तो उसने भी वो बोल रही थी कि देखिए मैं तो एडमिट कर रहा हूँ, मतलब कितनी मेरा सच में एडमिट कर रहा है कि एलपीस के साथ उनका रिलेशन था, लेकिन एलपीस क्या है कि सामने वाला सामने से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये वो मान भी नहीं रहा है कि उनका पास मतलब उनका एक रिलेशन था कितनी मेरे के साथ। अब बार बार ये चीज हो रहा है ना, तो कितनी मेरा उस टाइम पे ये बोल रहा था कि मैं जब कहीं पे जाकर कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाकर बोल रहा हूँ कि हाँ मेरा एक साथ एक समय पर से समय रिलेशन था 18 से 26, अब वो रिलेशन नहीं। अब ये चीज मैं बार बार जब जा रहा हूँ जाके बोल रहा हूँ ना, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ अपना खुद का इंसल्ट हो रहा है, और ये सिर्फ है मान लीजिए आपका रिलेशन किसी के साथ है और आप एक गर्ल है लड़की है, और कहीं जब कोई प्लेटफॉर्म पे जाके आप बोल रहे कि हाँ मेरा रिलेशन था, लेकिन वहां पे जाके ये बोल रहे कि मतलब सामने वाले आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो उसको इग्नोर कर रहा है या मतलब आंसर ही नहीं दे रहा है, तो इससे क्या होता है वो लड़की का एक्चुअल जो इमेज है ना वो एकदम शादी करने के लिए बोला है, लेकिन वो बोल रहा था कि सॉरी बोल रही थी कि उनका जो शादी से या प्यार से वो विश्वास उड़ चुका है, तो इसकी वजह से आप वो सब चीजों के ऊपर मतलब शादी के ऊपर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, एंड इन फ्यूचर वो शादी के लिए बाद में सोचेंगे अभी तो नहीं। इसके बाद जब ये सब चीजें थोड़ा सिलेक्ट हो गया, ये हुआ था बिग बॉस जो मतलब वो विनर घोषित कर दिया जाता है एलपीस को, उसके बाद कीर्ति मेहरा को एक सेपरेट मतलब जो खुद का ब्लॉग है वहां पे आके वो उन्होंने बोला था कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था उन दोनों के बीच में, उन्होंने एग्जैक्टली क्या बोला था वो वीडियो मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। ठीक है, तो खुद का चैनल बनाए हुए मुझे 5 साल हो गए, और इस इंडस्ट्री में आए हुए चाहे मैं जिसके भी साथ आई हूँ 7 साल हो गए, तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी एकदम से उठ के आ गई कहीं से, नहीं मेहनत करी है, उसका क्रेडिट इतना पहले नहीं मिला था, अभी मुझे नहीं पता जिस भी रीजन से मिल रहा हो कोई बात नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है, ना मैंने किसी को कुछ बुरा बोला ना मैंने, बल्कि मैंने अच्छा ही बोला है, बुरा तो कुछ बोला ही नहीं। तो एक बार जब कमेंट सेक्शन में आते हो ना, थोड़ा सोच के पूरा सोशल मीडिया पूरा यूट्यूब पे सर्च करके कि क्या वीडियो थी क्या नहीं थी क्या बोला क्या नहीं बोला, उसको सोचना और फिर बोलना। मैंने इंटरव्यू में पहले ही क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ना मुझे पता कि किसके लिए है, तो मेरे को आके मत बोलो ऐसे है ना कि व्यूज और ये और वो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। अब आ जाते हैं कि देखिए अब बिग बॉस के, ठीक है, जब बिग बॉस के घर में वो एलपी जा रहा था तो वहां पे दोनों ने क्वेश्चन किया था, फर्स्ट बेबिका ने सॉरी आशिका भाटिया ने उन्होंने ये क्वेश्चन एलपी से किया कि आपका भी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, कि उस टाइम पे भी एलपी ज्यादा ने डिप्लोमेटिक आंसर दे उसको रफा दफा कर दिया। उसके बाद पूजा भाट ने भी उनके साथ जब डिस्कशन हो रहा था एलपी ज्यादा के गर्लफ्रेंड के बारे में, उन्होंने भी उस टाइम पे भी बहुत क्लियर करके नहीं बोला था। उसके बाद ये आगे मनीषा रानी अलग लेवल पे है, ठीक है, बिग बॉस में पूरा जो सीजन है वो कोशिश करता रहा कि एक फालतू सा फुटेज लोगों को देने के लिए, ठीक है, मनीषा रानी पता नहीं कैसे खेला है लोगों को, बहुत टाइम के लिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि मनीषा रानी सबसे अच्छा खेला है, कोई मतलब बोल रहा है कि मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड हूँ, कोई अब मतलब उनका जो पापा आता है उसको होता है कि मैं आपका बाबू हूँ, ऐसा थोड़ी होता है इंडिया में, और हर कोई बोल रहा है कि नहीं यार ये सही है ठीक है सही खेला है, ऐसे नहीं होता है। और इसके चक्कर में इवन अलविश यादव ने उस टाइम पे मनीषा रानी को बोल दिया भाई देख मेरा गर्लफ्रेंड है तुम मेरे से दूर रहो, ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा ये एलपी यादव रात में ना कुछ स्टोरी सुना रहा था आपके मतलब अपना जो गर्लफ्रेंड है पास्ट लाइफ के बारे में सबको वो बोल रहा था सुना रहा था, तो उस टाइम पे बहुत लोगों ने सोच लिया यार ये तो किसी मेहरा के बारे में बोल रहा है, बट ऐसा था ही नहीं एक्चुअली। इसके बाद जब एलपी यादव को वो मतलब बिग बॉस का जो सीजन था वो कंप्लीट होकर घर पे बाहर आया, उसके बाद उनसे जब पूछा गया कि उनका गर्लफ्रेंड के बारे में, तो उस टाइम उन्होंने क्लियर कर दिया था कि मनीषा को अवॉइड करने के लिए मैंने ये सब बोला था, और उसके बाद देखिएगा मनु पंजाबी का एक इंटरव्यू आता उसने वहां पर क्लियर बोला कि मेरे पास जो गर्लफ्रेंड है ना वो पंजाब से पंजाब में है, लेकिन जो आके इंटरव्यू दे रहा है वो गर्लफ्रेंड नहीं है। अब उस ये जो बोल रहा है कि जो आके इंटरव्यू दे रहा है
तब उस टाइम पर हर किसी ने ये मतलब रिज्यूम कर दिया कि एल्विस यादव डायरेक्टली कीर्ति मेहरा पे बोल रहा है, क्योंकि कीर्ति मेहरा उस टाइम पे इंटरव्यू दे रहा था बहुत सारे जगह पे, और उसके बाद में जो रियल टॉक्स है ना, तो वहां पे जाकर उन्होंने एल्विस यादव ने बोला कि मेरा ऐसा कोई गर्लफ्रेंड ना पहले था ना अभी है, अब मेरा जो मतलब मैं शादी कर लूंगा और शादी के लिए जो उनका जो पापा है वो अभी लड़की देख रहा है, तो जब मतलब मान लीजिए फाइनेंस स्टेट पे हो जाएगा तो वो शादी कर लेगा, कंपेयर टू कीर्ति मेहरा बोल रहा है कि नहीं वो अभी शादी के लिए ये प्रिपरेशन नहीं ले रहा है। आप देखिए अब उनका इनिशियल लाइक मैंने आपको बोल दिया, उसके बाद कीर्ति मेहरा का क्या क्या स्टैंड है फ्रॉम 2017 मैंने भी आपसे शेयर किया, उसके बाद एलवी यादव 2017 से फॉलो क्या क्या किया वो मैंने आपसे शेयर कर लिया, उसके बाद बिग बॉस में क्या क्या इशू हुआ था हम मैं वो सब चीजों भी आपके साथ शेयर कर लिया, अब प्रॉब्लम कहाँ है हम इसके ऊपर आप चर्चा करते हैं। अब हम लोग जो जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे वो है ये जो पूरा इवेंट हुआ है या इशू हुआ है इसमें मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखिए पूरा चीजों को आप जब इवेंट में एनालाइज करेंगे ना तो मतलब एलवी यादव की तरफ से या कीर्ति मेहरा की तरफ से एक चीज तो क्लियर है कि दोनों का अब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, अब कुछ अलग चीज हो जाएगा तो फिर अलग है, अभी जो जो स्टेटमेंट कीर्ति मेहरा दिया है जो जो स्टेटमेंट एलवी यादव ने दिया है तो इससे तो एक चीज क्लियर पता चल चुका कि दोनों का पैचअप होना वो बहुत डिफिकल्ट है। एट द सेम टाइम आप एक बार सोच लीजिए कि कोई लड़की है उनका पापा का देहांत 2021 में हो चुका है और वो घर की सारी मतलब सबसे बड़ी है तो उनका क्या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स हर मदर और उनका जो भाई है उनके ऊपर, वो अब जो लाइफ बना है ऐसे वो मजाक मजाक में नहीं ले सकता, वो अभी वो सीरियस लेना स्टार्ट कर देगा, तो इसके वजह से क्या हुआ कि वो मतलब कीर्ति मेहरा अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है ना उसको बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। अब आ जाते हैं जो लोग हेट फैला रहे हैं या हेट दे रहे हैं दोनों को ही, बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एलवी यादव का फैन जो है वो कीर्ति मेहरा को जो पसंद नहीं करता है, एलवी यादव का जो फैन जो कीर्ति मेहरा को पसंद नहीं करता वो जाके दे सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उसका जो परसेंटेज है ना वो बहुत ही कम है, जो जो कीर्ति मेहरा का फैन नहीं है या उनको पसंद नहीं करता है वो भी लोग जाके कीर्ति मेहरा का जो वीडियोस है उसके कमेंट्स में जाके जितना गंदा गाली हो सकता है एक लड़की को देने के लिए उतना वो सब गाली देना वो लोग स्टार्ट कर चुका है, और बहुत सारे लोग क्या करता है कि ये जो एलवी यादव का जो इमेज है उसको टर्निश करने के लिए भी हो सकता है कीर्ति मेहरा का जो कमेंट सेक्शन है वहां पे जाके वो मतलब क्या क्या गाली पकड़ा है यार, जिस तरह सच में कोई आप उसको जब पढ़ेंगे ना तो कोई मीनिंग नहीं है, मान लीजिए किसी का रिलेशन है नहीं है या दोनों एक दूसरे को कभी नहीं बोला ना कीर्ति मेहरा ने बोला कि एलवी यादव का हेट दीजिए ना एलवी यादव ने कभी बोला कि जाके आप कीर्ति मेहरा को आप हेट दीजिए, लेकिन इन दोनों का जो फैंस है ना या फैन बोल दीजिए और दोनों का एंटी फैन बोल दीजिए तो दोनों ने जाके वहां पे जो कमेंट्स लिख रहे हैं ना इससे प्रॉब्लम है कि ये जो एलवी यादव का इमेज टर्निश हो जाएगा, इसका रीजन ये कि मान लीजिए कीर्ति मेहरा कभी बोलेगा इन फ्यूचर में तो ये बोलेगा कि एलवी यादव का फैन ने मुझे गाली दिया था, आप ये सोच लीजिए ये जब बोलेगा तो क्या ये सब चीज है आपको सुनने में अच्छा लगेगा। देखिए अब आ जाते हैं इंटरव्यू पे, बहुत लोग बोल रहे हैं कि फ्रेम के लिए या मान लीजिए व्यूज के लिए उन्होंने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया, अब ये देखिए पार्शियली करेक्ट भी है पार्शियली इनकरेक्ट भी है, जब जो एलवी यादव बिग बॉस के घर में था तो उस टाइम पे हर किसी ने इंटरव्यू दिया, ठीक है उनका जो फ्रेंड था जितना भी लोग है वो सब ने दिया तो कीर्ति मेहरा ने दिया, अब कीर्ति मेहरा सिर्फ व्यूज एंड फ्रेम के लिए अपने आप को नीचे ला रहे तो ये गलत कर रहा है, मैं आपको सच में बोल रहा हूँ ये गलत वो कर रही है, इसका जो मेन रीजन है वो हो सकता है कि इंटरव्यू में क्या है कोई बहुत सारे दो ही तीन इंटरव्यू है तो वहां पे मतलब सिर्फ अपना व्यूज और फ्रेम के लिए क्या है तो वो गलती क्या है, वहां पे उन्होंने पैसा लेके दिया तो मैं आके श्योर हूं बॉस ने एकदम सही किया और यही करना चाहिए, इसका जो मेन रीजन है मैं कोई श्योर नहीं हूं कि उन्होंने पैसा लेके वो इंटरव्यू में क्या है, आई एम नॉट श्योर अबाउट कि इसका जो मेन रीजन है आपको पता होगा मैंने ये स्टेटमेंट क्यों उठाया या ये जो पार्ट मैंने क्यों बोला, इसका रीजन ये है कि मान लीजिए मैं इन्फ्लुएंसर हूं, ठीक है आप मेरा इमेज या मेरा इंटरव्यू यूज कर मतलब आप ले रहे हैं ना तो वो एक शॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट तक की तरह है वो एड की तरह है, ठीक है मतलब ये है कि आप अपना जो चैनल को प्रमोट करें, अब वो चैनल को आप जब प्रमोट करें तो उसके लिए वो बहुत सारा जो इन्फ्लुएंसर है वो पैसा लेता है, अब ये जो पार्ट मतलब कीर्ति मेहरा ने पैसा दिया है कि नहीं दिया है मुझे नहीं पता, अब मान लीजिए वो पैसा दिया है तो उसने एकदम करेक्ट काम किया है वैसे ही करना चाहिए, ठीक है और उन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं बोल रहा हूँ उनके पास जो एक अपॉर्चुनिटी आया था ना वो अपॉर्चुनिटी को वो जाने दे रहा है, अब आई एम नॉट श्योर बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये जो बिग बॉस 17 में वो आएंगे कि नहीं आएगा दैट आई एम नॉट श्योर वो तो मैं नहीं बोल सकता, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।